कुंजी हारी
सर्दी के मौसम में अगर पसीना आ जाए तब मानना चाहिए कि कीर्तन हुआ कुछ। तो इस तरह से भगवान नाम प्रेम प्रेम नाम संकीर्तन में जब हम पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, इसी को ही कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री चैतन्य कृपा महामाधुर्य का दम्भिनी, यही भगवान नाम संकीर्तन ही है जो पूर्णतया हमारे चित्त को सर्फ एक्सेल से भी ज्यादा वॉशिंग करके साफ कर देता है। ये तो कुछ सामने है ही नहीं। तो आइए आज हम प्रथम दिवस में यत्किंचित विलंब हो गया लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं। सब लोग कृपया हाथ जोड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानात् मीरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारसतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा सुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरं मन्या विदासति। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हमारे गोवर्धन के तलहटी में जो आज से चार दिन तक हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंध के 15वां अध्याय से गोपाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर ये जो सत्र यहाँ शुरू हुआ है, आप सबको हार्दिक स्वागत है। कितना सुंदर सुहावना समय है कार्तिक मास, जो कि श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। जैसे हमारे प्रभु के सबसे प्रिय मास है पुरुषोत्तम मास,
उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी की सबसे प्रिय कार्तिक मास। इस कार्तिक मास के शुभ अवसर में हम सर्वश्रेष्ठ इस जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान सर्वश्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन धाम श्री गोवर्धन धाम में श्री गिरिराज के तलहटी में बैठ के अष्टकालीय लीला में दिन के 11 बजे जो लीला होती है प्रत्येक दिन दो भाई कृष्ण बलराम यहाँ आपके आश्रम के सामने दिखाई करें जो प्रत्येक दिन यहाँ गोचारण करते हुए आते हैं गोचारण लीला करते हैं इसी गोचारण लीला का हम श्रवण कर रहे हैं वो भी उन्हीं के स्थान अष्टकालीय लीला में अष्टयाम लीला जो कहते हैं दिन में हमारे ठाकुर जी दाऊ भैया के साथ यहाँ आके गोचारण करते हैं दिखते हैं राधा रानी माता नहीं दिखते अभी हम कानों से देखेंगे कैसे तो अभी कानों से श्रवण करते हैं कृपा होगी तो एक दिन झलक मिल जाए इसी तलहटी में जरूर अवश्य तो श्रवण करते हैं दसम स्कंद का पंचदश अध्याय श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च प्रोगण्डवयासितो व्रजे बभूव तुष्टो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः इस सुंदर श्लोक में दसम स्कंद के 15वां अध्याय 10.15 बच्चों को शांत कीजिए धीरे धीरे बच्चों को शांत करें इस श्लोक में भगवान कृष्ण बलराम गाय चराने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गाय चराने लेके जाते हैं गाय चराने आते हैं यहाँ आते हैं हम यहाँ बैठे ना तो यहाँ आते हैं तो इस लीला का वर्णन है तो आप सब लोग शब्द अनुवाद को मेरे पीछे बोलिए ततः और तदनंतर तो श्री कृष्ण और बलराम ने प्रोगंड छठे वर्ष में श्रितो ब्रजे प्रवेश किया पशुपाल उन्हें गाय चराने की सम्मतो आज्ञा बभूवतु मिल गई सखी भी परम सखी भी समम वे सखाओं के साथ गाश्चारयन्तो गाय चराते और पदे ही अपने चरणों से वृंदावनम वृंदावन को अतीव अत्यंत पुण्यम पावन चक्रतु करते अनुवाद आप कृपया दोहराइए पीछे से श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित अब श्री बलराम और श्री श्री कृष्ण प्रोगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किए अब उन्हें गोवे चराने की सुकृति मिल गई वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवे चराते हुए वृंदावन में जाते उनके चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि और भी पवित्र होने लगी तो
श्रवण नक्षत्र याद रखिए, दिन था बुधवार, कौन सा था? बुधवार, श्रवण नक्षत्र, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष अष्टमी, यह दिन है जो अभी चार दिन के बाद आने वाला है, यह वो दिन है जिस दिन सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम गाय चराने निकले। उससे पहले क्या बछड़े चराते थे, गाते हैं ना यहाँ ब्रज में, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटा समेरो मदन गोपाल। तो पहले छोटे छोटे बछड़े चराते थे, अब बड़े हो गए तो गाय चराने, तो वो क्या है, कौन सा दिन है? शुक्लाष्टमी कार्तिकेय स्मृत गोपाष्टमी बुधि तद विना वासुदेवो भूत गोपः पूर्वं तु वत्सः इति। ये कार्तिक महात्म्य में श्लोक है, इसमें कहते हैं बुद्धिमानों ने पंडितों ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी माना है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को अभी जो आने वाले हैं चार दिन के बाद वो गोपाष्टमी माने, उस दिन से ही श्री कृष्ण गोप कहलाए, पहले वत्सप अभी हो गए गोप, इसके पूर्व वो बछड़ों को चराते थे। तो आज हम सुनेंगे कि इतना आसान नहीं था अनुमति मिल जाए, पूरे उस समय माहौल कैसा था, दृश्य कैसा था, पूरे ब्रज में बाबा नंद बाबा की क्या मति थी, क्या यशोदा ने अनुमति दे दी, और क्या सखाएं क्या कर रहे थे, और गोपियां क्या कर रहे थे, ये सब का सुंदर वर्णन है। तो ये सुनते हैं हम, बहुत सुंदर वर्णन है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि गोकुल महावन जो यमुना के उस पार है, वहां लगभग 3 साल से थोड़ा ज्यादा वहां कृष्ण बलराम रहते थे, वहां खेलते थे। उसके बाद यमलार्जुन के उद्धार के बाद उपनंद महाराज के, उपनंद अभी यही थोड़ा सा इनका परिचय दे देता हूं, उपनंद महाराज, उपनंद बोलिए, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन, 5 भाई हैं। तो नंद बाबा कितने नंबर के हुए? 3रे। मैं को याद रहा, बताओ 5 भाई कौन कौन, उपनंद, अभिनंदन, नंदन, नंदन, सुनंदन, ऐसे 5 भाई। तो हमारे ठाकुर जी नंद बाबा के पुत्र हैं। तो भगवान के कितने ताऊ हैं और कितने चाचा हैं? तो 2 बड़े-बड़े ताऊ और 2 चाचा, उस प्रकार से ताई कहते हैं, ताई और चाचा। तो इस ऐसे वो सब छठीगरा आ रहा, ये जो वृंदावन का छठीगरा जहां ट्रैफिक जाम होता रहता है, तो वहां ठाकुर जी आ गए और वहां बसे 6 महीना लगभग 1 साल। और जब ठाकुर जी आ गए तो श्री जी भी आ गए अपने बाबा बसुभानु के साथ। तो आपके गोवर्धन राधा कुंड से जब आप छठीगरा जाते हो, कौन सा गांव आता है? बसवती, बसवती है वहां बाबा बसुभानु अपने लाडली के साथ वो आ गए। तो इस प्रकार से जाते जाते नंदगांव पहुंच गए, नंदगांव देखे ना, नंदगांव पहुंच गए ठाकुर जी और श्री जी राधा रानी। तो बछड़े चरा रहे थे, तो यहां सबसे पहले बछड़े चरा रहे थे, लेकिन जब 6 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष में तो बछड़े चरा रहे थे, 6 वर्ष के जब हो गए, 6 साल हो गए,
तो उसको कहते हैं प्रौगंड। 6 साल में प्रौगंड, पहले तो कुमार अवस्था 1 से 5, उसके बाद प्रौगंड अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, है ना। लेकिन ठाकुर जी प्रौगंड अवस्था में ही, ध्यान से सुनिए, प्रौगंड अवस्था में ही किशोर जैसे दिख रहे थे। उसी प्रकार से लीला काल में किशोरी जी भी प्रौगंड अवस्था में जब पहुंचे उसी समय वो किशोरी जैसे दिख रही। आजकल भी देखते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बड़े बड़े दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, छोटे से उम्र कम है लेकिन बड़े दिखते हैं। तो उस प्रकार से शरीर के आकार से भी बड़े 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 दिखने लगे। और बछड़े चराते समय आपने देखा, आपने सुना होगा भागवतम में, बच्छासुर का वध किए, और फिर ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, वो सब हुआ। यही ये आपके छठी ग्रह के दिल्ली रोड में चौमुआ आता है, है ना, चौमुआ में ब्रह्मा जी शरण लिए थे भगवान का। तो ये सब लीला इसी क्षेत्र में हुआ है। जरा जरा सोचिए, हम लोग पुणे मुंबई दिल्ली में नहीं बैठे, जिस जगह पे जो लीला हुआ था उसी स्थान पे बैठ के सुन रहे हैं, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या है। तो यहाँ इसी स्थान में सब लीलाएं हुई। तो ये बछड़े जब चरा रहे थे तो ठाकुर जी के मन में कभी कभी देखते थे कि बहुत दिन हो गया बछड़े चरा, अब थोड़ा थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए, होना चाहिए ना, अब थोड़ा गाय चराने की इच्छा हुई। कैसे? कि उन्होंने देखा कि जो बड़े ग्वाल हैं वो सब गाय चराते हैं, और जो गो माता है उनके गाय दूहने लगते हैं। और ठाकुर जी वैसे है तो ब्रजराज कुमार है, राजकुमार है, उनको दूहने की जरूरत नहीं, कितने नौकर चाकर है उन्हें उनके घर में, है ना। तो वो जाके देखते थे और किसी ग्वाले को बोलते थे, चाचा या भैया मुझे भी सिखा दो ना गाय दुहाने। तो नहीं नहीं, तुम तो राजकुमार हो, तुम बस देखो, हम लोग हैं ना, नंद बाबा के कितने गाय थे, 9 लाख, उससे भी ज्यादा थे किनके, ऋषभानंद बाबा, है ना। तो इतने इतने गायों को संभालने के लिए भी ग्वाले थे। तो ग्वालों के पास जाते थे और ठाकुर जी कहते थे, गाय कैसे दोहते हैं मुझे भी सिखा दो। तो गाय दोहने सीख गए, देखते देखते सीख गए। भाभी गोपाल ग्वाले का बेटा है तो गाय दोहने सीख जाएंगे। सबकी जो जो जिस जात में जिस कुल में जन्म हुआ है, जन्म से ही पैदाइश ही कुछ ना कुछ सीख जाते हैं पिता से। तो इस प्रकार से ये भी ठाकुर जी भी सीख गए। लेकिन ठाकुर जी को सीखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सबके प्राण हैं। 7वें अध्याय भगवत गीता में क्या कहते हैं, जीवनम सर्वभूतानां, सभी भूतों के जीवों के प्राण कौन है, श्री कृष्ण है। तो गाय के भी तो प्राण है ना, तो उनको सीखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी लीला काल में, लीला में सीखने के लिए वो देखते थे, अच्छा गाय कैसे दूहते हैं थोड़ा सिखा दो, तो खड़े हो जाओ यहाँ। तो वो देखते थे कैसे गाय दूहते हैं, तो वो सीख गए। इसके बाद क्या हुआ कि अब 6 वर्ष के जब होने लगे, मतलब छठवां जन्माष्टमी जब हुआ, है ना, 5वां जन्माष्टमी भगवान 6 वर्ष के जब हो गए, तो अब तो उनको लगा कि मैं गाय चराने के लायक हो चुका हूं। लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता, विशेष करके मैया। जब भी वो मैया से कहते, मैया अब बहुत दिन हो गया बछड़े चरा के, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हाई स्कूल जाना चाहता हूँ, कहने का अर्थ गाय चराना चाहता हूँ। लेकिन मैया कहते चुप चुप सो जाओ, नहीं मानती। वात्सल्य की शिरोमणि, इस संसार में जितने भी माता पुत्र हैं उन सबके सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि जो नित्य माता और नित्य पुत्र हैं, ऐसे यशोदा मैया
उनके सामने तो वो कितने भी बड़े हो जाए लेकिन वो तो लाला ही है। वो नहीं चाहते थे अपने लाला को जंगल में बंद में छोड़ दे गाय चराने के लिए। नहीं नहीं तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। तो कई ऐसे प्रसंग में आपके इस आश्रम से पीछे की रस्ते से केवल 2 किलोमीटर जाने के बाद एक बहुत प्यारा स्थान है जिसका नाम है चंद्र सरोवर। वहां एक बहुत महान गज विभूति थे और भजन करते थे सूरदास जी। उन्होंने बहुत सुंदर भगवान की लीला पद में लिखे हैं। वो कहते हैं एक पद में कि ठाकुर जी कहने लगे भैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं अपने सीखा चोटी को ऐसे करते देखो दाऊ के समान हो गया ऐसे दिखा देते अब मैं बड़ा हो गया हूं अब तो मैं गाय चराने लायक हूं अब हम गाय चराने जाते हैं। लेकिन यशोदा कहते थे चुप तुम गाय चराने वाले जब बिल्ली म्याऊं करती है बिल्ली म्याऊं करते हैं बिल्ली म्याऊं करता है तो तुम भाग के मेरे गोद में आ जाते हो और कहते हैं तुम गाय चराने वाले लायक हो गए। तो कुछ भी कितना भी कहे मैया मना कर। अब मैया से तो परमिशन नहीं मिला। अब वो सोचने लगे क्या करें बाबा के पास जाए। बच्चे बाबा से थोड़ा सा डरते हैं माँ से ज्यादा बात करते हैं है ना। तो बाबा के लेकिन बाबा से भी प्रेम था लेकिन बाबा से कह नहीं पाते और वो चाचा जी के पास जाते। ठाकुर जी के चाचा कौन है याद कीजिए सुनंद और नंदन सुनंद और नंदन ये चाचा के पास जाते थे। कई बार आपने भी देखा होगा घर में बच्चे जो होते हैं पापा से अगर संकोच करते हैं तो उसी बात को चाचा से बोल देते हैं क्योंकि उनसे प्रेम है और चाचा भतीजा का प्रेम भी होता है। तो चाचा जी से जाके कहते थे चाचा अब देखो ना हम बड़े हो गए हैं गाय चराने जाना चाहते हैं लेकिन हम बाबा से कह नहीं पाते अब आप कुछ करो कि हम गाय चराने जाएं। तो उनको चाचा को उन्होंने मना नहीं किया। तो चाचा ने कहा ठीक है कुछ करते हैं तुम्हारे बाबा का मूड देख के बात करते हैं। हर समय हर बात नहीं होती है ना। जब बाबा से कभी फुर्सत में हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में और इस बीच में कभी कभी बाबा से भी कन्हैया जाके मिलते थे बाबा कहते बोलो बेटा क्या है तो गोद में आके बैठ जाते थे। और नंद बाबा की दाढ़ी थी नंद बाबा का जो शास्त्रों में वर्णन है ओरिजिनल पेंटिंग है ना नंद बाबा की दाढ़ी थी तो दाढ़ी को ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हिला दिया। आजकल भी दाढ़ी फाड़ी रखते हैं ना ऐसे कुछ तो ऐसे वो बाबा के दाढ़ी को ऐसे छूते थे। तो बाबा को मतलब किसी से कुछ कहना हो ना पहले प्यार करना होता है। तो ऐसे बाबा मुझे कुछ कहना है ऐसे ऐसे दाढ़ी को छूते थे। तो बाबा बड़े खुश हो जाते लाला बताओ ना क्या है क्या बता क्या कहना चाहते हैं। तो लाला कहते थे देखो बाबा हमारी बहुत इच्छा है कि बछड़े चरा के बहुत दिन हो गए अब उब गए अब थोड़े गाय चराना चाहते हैं। इतना सुनते ही नंद बाबा बिल्कुल ना 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 तुम नहीं जानते जंगल में कौन है शेर है शेर खिलौने नहीं असली शेर है और जंगल में बहुत ऐसे प्राणी हैं जो बहुत भयभीत हैं लेकिन वो बात को टाल देते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि देखिए जो बड़े ग्वाल हैं वो गायों को चराते थे जो बच्चे हैं कृष्ण बलराम और उनके साथी वो बछड़ों को चराते थे। अब बछड़े कितने दिन बछड़े रहेंगे बछड़े भी बड़े होते हैं और बछिया बछिया जानते हैं बछिया बछिया कौन है जो मादा फीमेल बछड़े वो भी बड़े हो जाते हैं।
तो अभी देखिए कि कुछ बच्चियां जो है गाभिन हो गई, कहते ना व्याई आई, जो बच्चियां थे वो गाय बन गई और गाभिन हो गई, और वो बच्चे बछड़े उत्पन्न करने लगे, और बछड़े भी बड़े हो गए और बच्चियां भी बड़ी हो गई, जो ठाकुर जी चराते रहते, जैसे जैसे ठाकुर जी बड़े होने वो गाय बछड़े भी बड़े होने, वो भी बड़े हो गए, उसमें से कुछ गाभिन हो गए, कुछ गर्भवती हो गई, तो ये सब जो है जिनको ठाकुर जी खुद अपने हाथों से सहलाते हैं, हरी हरी घास देते हैं, खिलाते हैं, और उसके बछड़ों के जो गाय हो गई उनके पूंछ को साफ करते हैं अपने हाथों से, हरे कृष्ण आवाज ठीक है, बछड़े के जो गाय हो गए हैं इन सब गाय बछड़ों के पूंछ को संवारते हैं, पोसते हैं, तो ये गाय, ये जो बछड़े जिनको ठाकुर जी चराते थे, ये जो बच्चियां थे, ये अब किसी बड़े ग्वाले के साथ नहीं जाते थे, थोड़ा सा इस इसको समझना चाहिए, हरे कृष्णा ये जो बछड़े बड़े हो गए हैं, जो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, बड़े होने के बाद गायों के साथ जाना चाहिए, नहीं जाते थे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, जिनको स्पर्श किसने किया, कृष्ण ने, जिनको स्पर्श किए सहलाए घास खिलाते थे, उनको सभी तरह से प्रेम करते थे, और ऐसे प्रेम को कैसे वो भूल जाएंगे, वो नहीं जाते थे। उन कृष्ण ने जो बछड़े जो गायों को चराते थे, बछिया जो बड़ी हो गई, उनको लेने के लिए, उनको खींच के लेने के लिए जब भी कोई ग्वाल आते थे वो सींग से नहीं जाते थे उनके पास, और कोई अगर व्याई गई है, वो गर्भवती हो चुकी है और नया बछड़ा जन्म दिया है, और उसके दूध को दोहने के लिए जो भी कोई ग्वाला जाता था उस गाय के पास, कभी नहीं, एक सींग से उसको पलट देते थे, नहीं चाहते थे कोई ग्वाला हमें आके टच करे, और जो नया बछड़ा जो जन्म हुआ है, नया बछड़ा कितना, आप देखें नया बछड़ा गाय के बछड़े को, बछड़ा कितना प्यारा होता है, और कोई भी गाय नहीं चाहती है कि उसके पास भी कोई आए, और बछड़ा थन में मुंह डाल देता है, लेकिन जब कृष्ण सामने आते थे, कृष्ण नया जन्मी हुई बछड़ा, कृष्ण जब सामने आते थे बछड़ा दूध पीना भूल जाता था, ऐसे ही निहारता था, कितना सुंदर सांवला स्वरूप है, ऐसे प्रभु ठाकुर जी को देखता था, और कृष्ण सोचते थे ये बछड़ा दूध क्यों नहीं पी रहा है, अभी भी जन्मा हुआ है, दूध पीना चाहिए तो इसके मुंह को लेकर जबरदस्ती थन में डाल देते थे दूध पीने के लिए, और जैसे ही वो हाथ पीछे से हटा देते थे बछड़ा मुंह फिर से श्याम सुंदर की ओर देखते, दूध पीना भी भूल जाते थे। आप सोच सकते हैं कि प्राणियों में भी इतना प्रेम है, वृंदावन महिमामृत के क्लास में हमने उस दिन सुना, मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जो झारखंड जंगल में जाते थे, बाघ और हिरण कैसे प्रेम में, बाघ और हिरण क्या है, हिरण बाघ के ब्रेकफास्ट है ना, लेकिन बाघ और हिरण बड़े प्रेम से चुंबन करके हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, क्यों, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर कौन है, श्याम सुंदर है, भगवान है, तो जब भगवान सामने आ जाते हैं सब बैर शत्रुता सब भूल के ठाकुर जी की ओर देखते हैं, बस एक हम ही है जो उनको नहीं देखते और टीवी देखते, क्या देखते हैं और कहीं देखते हैं, तो कितना स्वाभाविक है भगवान के प्रति उन्मुख होना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं,
विपरीत दशा हो जाती है। तो इस प्रकार से छोटे बछड़े जो है उनको भगवान खिलाते हैं। अभी क्या हुआ कि जो छोटी बछड़े बछिया जब छोटी गाभिन गाय पहले ज्ञान की गाय एक दल हो गए, ठाकुर जी जो जिन बछड़ों को और बछियों को चराते थे वो एक दल, ठीक है, और जो बड़े गाय और बछड़े वो दूसरे दल, जिनको ग्वाले चराने जाते लेके जाते थे। और इन दोनों ग्रुप में कंडीशन ये थी, क्या कंडीशन था कि जो बड़े गाय हैं उनको सबसे पहले लेके जाएं ग्वाले, और ठाकुर जी अपने जो बछड़े जो बड़े हो गए हैं उनको बाद में लेके जाएं। ऐसा क्यों हुआ, एक दिन की बात है। ये पूरा भूमिका आपको एक घटना के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर गोपाष्टमी के दिन गाय चराने ठाकुर जी क्यों निकले, आज का प्रसंग बस इतना ही है। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी गाय चराने क्यों निकले, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या क्या तत्कालीन घटनाएं हुए थे जिसके वजह से वो निर्णय लेना पड़ा। एक दिन बछड़े चराने के पास में ही जाते थे, गाय चराने वाले बहुत दूर जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों दल मिल गए, जो गौवे हैं और जो ठाकुर जी के बछड़े हैं, दोनों अकस्मा या जो भी कहिए जिसके वजह से वो दोनों मिल गए। जब मिल गए जो गौवे हैं और बछड़े हैं, जब मिल गए जितने भी सब गौवे थे सब खींचे हुए ठाकुर जी के बछड़ों के दल में आ गए, कोई बुलाया नहीं, अपने आप आ गए। और जो ग्वाले थे, बड़े ग्वाले थे, वो रोके, रोकने थे लाठी लेके, क्या क्या घबराए हुए रोक रहे थे, तो लेकिन रोके ही नहीं, वो सब कृष्ण के बछड़ों के साथ मिल गए। ऐसे समन्वय हो गए। अब ये जो हुआ तो इनको चिंता हो गई। अपने मन को एकाग्र करके सुनते रहिए, क्योंकि ये कल्मिनेशन जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यहां से शुरू होते हुए वो दिन को हम चाहते हैं, वो दिन को हम पहुंचेंगे जिस दिन गोपाष्टमी था और आखिर ठाकुर जी क्यों गाय चराने गए, आखिर क्या ऐसे हुआ, ये सब पीछे की घटनाएं। तो सारे जितने भी गौवे थे सब अपने ग्वालों को छोड़ के ठाकुर जी के बछड़ों के दल में मिल गया। कितना रोकने पर भी रोके नहीं। उसके बाद इन लोगों ने एक मीटिंग किया, सारे लोगों ने, कन्हैया दाऊ अब तो कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा, या तो तुम आगे चलो नहीं तो हम चलो। आई बात समझ में? अगर हम गौवे को लेके आगे चलते हैं, हमारे एक घंटे बाद तुम बछड़ों को लेके चलना, नहीं तो अगर हम बछड़ों को आप तुम अगर बछड़ों को लेके चलते हो तो हम बाद में गौवों को लेकर, नहीं तो मिल जाएंगे गौवे बछड़े, अगर मिल जाएंगे तो मुश्किल होगा, मुश्किल होता है उनको विच्छेद करना। तो ऐसा हुआ। अगले दिन से क्या हुआ, ठीक है हम गौवों को लेकर चलते हैं, ग्वालों ने कहा। और जैसे ही गौशाला में गए, सुन रहे ना आप लोग, जैसे ही गौशाला में गए वो गायों को लेके वन में जाने के लिए, एक भी गाय गए नहीं, निकले नहीं। और कितना डराए, कितना धमकाए, कितना ही हा हा जो भी शब्द किए, वो गौवे जो थे वो हिलते ही नहीं, बिल्कुल हिले ही नहीं। आप तो ये बहुत बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करें, सारा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या मिल गया उनके दल के साथ, बस ये लोग अब हिलने ही नहीं रहे थे। और गए कन्हैया के पास, कन्हैया अरे भैया एक मिनट के लिए आ जाओ, एक मिनट के लिए आ जाओ। कन्हैया बोले क्यों, कहाँ जाना है, क्यों बुला रहे हो, अरे वो गौवे है ना,
हम लोग चाहते हैं गाय चराने जाए लेकिन वो हिली नहीं रहे, गोशाला से निकले नहीं। तो कन्हैया कह रहे हैं, थोड़ा अपना भी कुछ भाव होता है कि नहीं, वैल्यू। कन्हैया कह रहे हैं ठीक है कि आप इतने बड़े बड़े ग्वाले हो, पता नहीं गाय चराने में पीएचडी किए होंगे, और मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तो छोटा सा लाला हूं, आपको तो सब पता है गाय चराना कैसा है, लेके जाओ, मुझे क्यों बुला रहे हो? हम नहीं जाएंगे, ऐसे ही आ गए, आओ आओ, हम नहीं जा रहे, हमारे बछड़े हैं ना, हम उनको चराएंगे, आपके गांव को क्यों चराएंगे, जाओ लेके जाओ। तो ये लोग फिर से गए, नहीं हम सच्ची कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हम जितना भी बुलाए गोवे वन में जा नहीं रहे चरने के लिए। बहुत विनती करने के बाद, बहुत विनती करने के बाद फिर कन्हैया आए और जैसे ही वो खड़े हो गए सारे लाखों गाय जो थे सब निकल गए, सब पीछे पीछे निकल गए। और कन्हैया अब हो गया ना काम, मैं जा रहा हूं, जैसे ही गए फिर से रुके, आगे बढ़े ही नहीं, फिर से रुके। तो अरे रे रे रे, आप फिर से आओ, फिर कन्हैया को बुलाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा असुविधा हो गया, बहुत समस्या हो गया। तो ये जो संदेश था, मैसेज गया नंद राय के पास, नंद बाबा के पास, क्योंकि ब्रज के राजा हैं वो, जाके कहते हैं जितने भी ग्वाले जाके कहते हैं, हे नंद बाबा, हे नंद राय, अब तो बहुत बड़ी एक समस्या आ गई। हमारी जो प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन क्या था? आईटी सेक्टर। उनका प्रोफेशन था गाय चराना, और गाय चराना मुश्किल हो गया, अभी हम कर ही नहीं सकते। नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ, समस्या तो बताओ। तो इन्होंने फिर बताया कि एक दिन गलती से आपके लाला के ग्रुप से हमारा ग्रुप मिल गया, उस दिन से एक गौवे जो है हमारे साथ चरने के लिए वन में जा ही नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, अब आप बताओ क्या करें। अर्जेंट मीटिंग बुलाया गया, इमरजेंसी मीटिंग, काम ही ठप हो गया ना, सब कुछ। तो सब लोग आए, सब लोगों ने कहा कि हम भी बहुत प्रयास किए लेकिन हटते ही नहीं, गाय ही नहीं गई। तो सब लोग बैठे, उपनंद महाराज, अभिनंद, और कौन, नंद और सुनंद, नंदन, सभी मीटिंग में बैठे बैठे, और सब लोगों ने चर्चा किया क्या किया जाए। तो जितने नंद बाबा के बड़े भाई थे और चाचा थे, ताऊ थे, जितने भी कन्हैया के ताऊ और चाचा, सब लोगों ने एक मत से कहा कि अगर नंद राय जी आप राजा हैं, अभी आपको एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर आप चाहते हो कि ब्रज में सब सुख समृद्ध में रहे, शांति से रहे, और गायें चराने के लिए सब लोग सभी गायें वन में जाएं, तो कन्हैया को छोड़ना पड़ेगा। इतना सुनते ही नंद बाबा को बालो वज्रपात हो गया। ये क्या कह रहे हैं, इतना छोटा सा लाला ये वन में जाएगा? वन में क्या गुलाबों के पखड़ों के रास्ते हैं क्या? बन कितना घनघोर प्रदेश है, इसलिए तो गोपियां गोपी गीत में स्मरण करते हैं कि आप जो बन में जाते हो, आपके चरण में जो कांटे चुभते हैं, आपको कांटे चुभते हैं और पीड़ा यहां होता है। शिला द्रोणांग के रही सीध तीर्थी अटतीय भवान आनिका गायते त्वाम पश्यता। तो गोपियां कहते हैं आप जो अब जाते हो वन में, हम एक पल के लिए भी आपको देख नहीं पाते हैं, और वहां छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे कांटे, और आजकल तो ये बबूल के कांटे हर जगह पे है। जब आप वहां वन प्रदेश में जाके गाय चराते हो, कितना कष्ट होता होगा, भगवान का चरण कैसा है,
अमूल बटर से भी और सॉफ्ट, मक्खन से भी और कोमल, इतने कोमल चरण जब कांटे और कंकड़ सूटते हैं हमें कितना कष्ट होता है सोचते ही। इस तरह से हम सुनते हैं गोपियां भगवान को स्मरण करते हैं, तो इसलिए नंद बाबा ने बिल्कुल मना तो नहीं किए। अब जैसे मान लीजिए कोई आगे और किसी पिता के कोई पुत्र हैं, एक दो पुत्र हैं, और जाके बोले प्रभु जी करुणा सागर को आप के एक बेटे को हमें दे दीजिए, कैसे लगेगा? वज्रपात हो गया। तो हर एक माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह रहता है, तो उसी प्रकार से वन में भेज दे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सभी लोगों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लाला को कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं ना आप कितना तपस्या के सब। देखो यहाँ एक बहुत बड़े सिद्धांत की बात कह रहे हैं। सभी ग्वालों ने नंद बाबा से ये कहा, आपके तपस्या के फल से आपकी लाला हर कष्ट से बच जाता है। आपको स्मरण है ना जब आपके लाला केवल 6 दिन के थे, कितने दिन? एक माता जी आई थी, जानते हैं ना, पूतना। हाँ, तो लोई बाजार से गोपी ड्रेस पहन के आई थी, गोपी का बेस था। तो उसको देखो, वो उसका नाश हो गया, तृणावत का उद्धार हो गया, तो ऐसे सारे दैत्यों का जो पहले हुआ है सब गिनाने लगे और सब उनको स्मरण कराने लगे। कैसे हुआ? तृणावत का वध कैसे हो गया? पुतना का वध कैसे हो गया? बच्छासुर का वध कैसे हो गया? कौन किया इसे? आपके तप के प्रभाव से। यशोदा ने इतना तप किया है बाबा, आपने इतना तप किया है जिसके वजह से आपका लाला बार बार बच जा रहे हो, बार बार बच जाता है। इनको ये पता नहीं कि यही स्वयं नारायण है, बल्कि आदि नारायण है। तो बाबा को बड़ा अच्छा लगा। बात यह है कि पिता माता की तपोबल से उसका प्रभाव संतानों के ऊपर होता है कि सभी प्रकार से अमंगल से बच जाते हैं। तो नंद बाबा ने अपने छोटे भाई सुनंद और नंदन को पूछा, अच्छा ये बताओ लाला तुम्हें उस दिन क्या कह रहा था? क्योंकि चाचा भतीजा का थोड़ा अच्छा प्रेम है ना, बाबा से तो संकोच करते हैं। क्या कह रहा था लाला तुमको दूर में थोड़ा सा जाके, क्या क्या कहता रहता है बताओ ना। तो सुनंद और नंदन इन्होंने कहा कि भैया ये जितने भी ग्वाले जो आज आके आपको बोल रहे हैं कि क्या समस्या आ गई है गौशाला में, गौवे क्यों नहीं जा रहे हैं, वास्तव में सत्य बात है, तुम्हारा लाला जिसको प्रेम कर लेता है, तुम्हारा लाला जिसको भी जो भी कोई प्राणी को एक बार देख लेता है और प्रेम से निहार लेता है, बस उसका संसार गया हरे कृष्ण। क्या हरे कृष्ण? उसका हरे कृष्ण हो गया। वो मनुष्यों की बात है, गौवे भी उसके दीवाने हो गए। तो इसलिए इस बात को कंफर्म कर रहे नंद बाबा अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से, तो पूछ रहे क्या कह रहे। तो सुनंद और नंदन ने कहा कि भैया लाला तो कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि अब हम बड़े हो गए, अब तो हम गाय चलाने जाते हैं, हम बाबा से बोल नहीं पाते, चाचा जी आप थोड़ा बोलो ना बाबा से, आप बोलो। तो ये बात नंद बाबा ने अपने भाइयों से सुना। जो बड़े भाई ये बात को सुने, अभिनंद और उपनंद महाराज, इन्होंने कहा कि वो बड़े हैं ना, अब नंद को आदेश दे सकते हैं। नंद जो हमारे छोटे भाई कह रहे वास्तव में सत्य बात है, पर तुम चिंता मत करो कि ये वन में जाएंगे कैसे, बहुत सारे कष्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में हैं ना। और सबसे बड़ी समस्या है आज इसी समय
अगर निर्णय नहीं लिए तो वो गोचारण बंद हो जाए, गाय तो जा ही नहीं रही, गोचारण होगा कैसे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और कई समय तक नंद बाबा सबका राय ले रहे थे, सब लोग कह रहे थे कुछ, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ। अब थोड़ा सुन लीजिए एक बार, माताओं के ग्रुप में क्या बात हो रहा था, जितने भी गोपियां थी, वात्सल्य भाव वाली गोपियां, अभिनंद और उपनंद बाबा की पत्नी, उन्होंने यशोदा को कहा, यशोदा देवरानी लगती है, देवरानी समझते हैं, देवरानी जी आजकल लाला सुबह सुबह कहां चला जाता है, पूछे तो यशोदा कहने लगी, जेठानी बोलते हैं ना, तो दीदी जो भी कहेंगे, जीजी या दीदी, अब क्या बताऊं, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं लाला थोड़ा सा बदल गया है, क्या बदल गया है? पहले मैं उसको खुद उठाती थी, नहलाती थी, उबटन लगाती थी, तेल सब कुछ संवारती थी, श्रृंगार करती थी, फिर कलेवा देती, कलेवा समझते हैं क्या, ब्रेकफास्ट, तो कलेवा देती थी, सब कुछ मैं करती थी, लेकिन आपको पता नहीं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि एक अलग ही स्थिति आ गई है कि वो अपने आप उठ जाता है, और कैसे, जब उनके सखाए सब बुगुल बजाने लगते हैं, कोई सीटी मारता है, कोई इशारा करता है, ऐसे जब बजाने लगते हैं तो अपने आप वो उठ जाता है, उठ के खुद से जाता है और मेरे पास आने को शर्म करता है। कोई बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बिना अंडरवेयर सब घूमते ही रहते हैं दिगंबर वेश में, लेकिन थोड़े सयाने हो जाते हैं तो माँ के पास में जाने को शर्म संकोच होता है। तो यशोदा भी ये देखने लगी कि आजकल कुछ दिनों से लला जो है मेरे पास आती नहीं है, पहले तो कितना सवार थे, कितना खुद अपने हाथों से, अब कहते हैं मैं यहाँ मैं कर लूंगा ना, बस बस अब छोड़ दो ना, मैं इतना ठीक है ठीक है ठीक है मैं अब कर लूंगा ना, तो अपने सखाओं के साथ चला जाता है और मुझसे संकोच करता है और अपने आप खुद खुद तेल उबलन सब लगा के कहता है कि अभी मैं यमुना किनारे जाके नहाऊंगा, घाट में जाता हूँ और मुझसे तो सजाने को संवारने को जब जाती हूँ तो बस बस बहुत हो गया, अभी मैं चल रहा हूँ, मुझे समय हो गया, ऐसे कह के चला जाता है। ये जो बदलाव है ये है प्रौगुण अवस्था में, जब कृष्ण 6 साल के हो गए लेकिन प्रौगुण अवस्था में भी किशोर की तरह देखने लगे, छाती चौड़ी हो गई, आजकल की तरह नहीं, वो 6 पैक 7 पैक फालतू है, ये जो भगवान कृष्ण बलराम के, कृष्ण तो है वास्तव में, अगर किसको अपना जो बॉडी शरीर सुंदर हैंडसम बॉडी देखना है तो देखिए बलराम, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में बलराम जी कितने हैंडसम दिखते हैं ना, है ना, बलराम जी बहुत मजबूत और सुंदर दिखते हैं, कन्हैया तो उनके सामने झुक जाते हैं, तो उनके आंखें बड़े हो गए, केश बड़े बड़े हो गए, छाती चौड़ी हो गई, ये सब धीरे धीरे शरीर के गठन बदल गए। यशोदा माँ देखती है ना अपने बच्चों को, माँ देखती है कि कैसे इसके लक्षण सब अलग होने लगे और ये मुझसे थोड़ा सा बसता है, अपने सखाओं के साथ ज्यादा रहता है, और जब वो बछड़े चराने के बाद घर वापस लौटता है तो यशोदा सुकून करती है, हाथ में कुछ ऐसे अभिमंत्रित जल लेके कृष्ण के सिर पे 3 बार ऐसे घुमाती है, ऐसे करते हैं ना, तो
हाँ, तो इस प्रकार से जब मैं करने जाती हूँ तो वो कहते बस बहुत हो गया, इतना इतना घुमा रही हो, चलो चलो अभी चलते चलते। तो ये सब लक्षण देख के मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लग रही है कि इसके मन में है क्या, आखिर क्या करना चाहता है। तो ऐसे ही यशोदा अपनी जेठानी देवरानी सब सहेलियों के साथ वो बात कर रही है। देखो ना, एक तरफ नंद बाबा अपने सखाओं के साथ भाइयों के साथ मीटिंग चल रहे हैं, दूसरी तरफ यशोदा अपनी सहेलियों के साथ बैठ के सब उनका विचार विमर्श हो रहा है कि कृष्ण में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ और उसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है। जब पूछने लगती है तो यशोदा कहती है, कभी कभी सोते समय पहले तो मैं खूब लोरी सुनना, अभी भी सुना था, लेकिन कहता है मैया अब ना कल से मैं गाय चराने जा रहा हूं। ऐसी बातें जब जब मैं बात सुनती हूँ तो मेरे हृदय पे पत्थर ऐसे मान लो वज्रपात हो जाए, कैसे मैं अपने लाला को छोड़ दूर कहा वन में, वो भी दूर सुदूर वन में। बछड़े तो पास में चराते थे, इतने पास में कि यशोदा अगर टेरेस के ऊपर चली जाई चली जाती है ना कभी, तो दूर से दिखता था कि ओ दूर से कन्हैया अपने सखाओं के साथ बछड़े चरा, ज्यादा दूर नहीं जाते और दो बजे ही वापस आ जाते थे, दो तीन बजे, तीन तो बहुत हो गए। लेकिन ये बात सुन के उनके मन में यशोदा के मन में दुख होती थी कि अब तो ये सुबह से जाएगा दिन भर और शाम को लौटेगा सभी वालों के साथ, सभी गायों के साथ, कैसे कोई मान सकते हैं। इसलिए वो भी बड़ी दुखी थी। तो एक तरफ माताओं के मीटिंग चल रहा था, एक तरफ प्रभुजियों का, सारे जितने वात्सल्य भाव वाले पिता और माताएं और जितने सखा थे वो सखा लोग भी कहते थे, वो भी बड़े हो गए ना, जो कृष्ण बड़े हो गए सखा भी बड़े हो गए, बछड़े भी बड़े हो गए, सब बड़े हो गए, सखा लोग जो हैं वो भी चाहते थे अरे कन्हैया बछड़े भी बड़े हो गए, कितना दिन बछड़े चराने, चलो सब गाय चराने चाहते। तो सखा भी मान गए, दाऊ भैया भी राजी है, और दाऊ सूरदास जी कहते हैं कि दाऊ भैया कहते थे भैया मैया तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, छोड़ दे अपने लाला को, मैं बिल्कुल साथ ही रहूंगा, और हाँ इसको कभी भी पेड़ के ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। कन्हैया कहते थे मैं अपने हाथ से फल तोड़ के खाना चाहता हूँ, ये नहीं कि किसी का दिया हुआ है, हमारी खुद की कमाई होनी चाहिए, मैं खुद अपने हाथ से फल तोड़ के लेना चाहता हूँ। तो दाऊ कहते थे मैं इसको तो कभी करने ही नहीं दूंगा, मैं खुद अपने हाथ से फल तोड़ के इसको देता हूं। तो दाऊ भैया की मैया को आश्वासन देते थे कि कुछ चिंता मत कर, यमुना के किनारे तो लेके ही नहीं जाऊंगा नाला, कहीं वो गिर ना जाए। और ध्यान से सुनिए, आपने भागवत में पढ़ा होगा सुना भी होगा, जिस दिन बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं जाते थे, है ना, है ना, जैसे कोई का लीला बता, कालिया दा बता, और कौन सा है, अघासुर, कली गए थे ना अघासुर हमारे, अच्छा ही गुरुकुल में अघासुर है, अघासुर के समय भी वही ब्रह्म विमोहन लीला, उस दिन भी बलराम जी साथ में नहीं थे। और आपके प्यारे इस दामोदर मास में जो दामोदर लीला हुआ उस दिन भी साथ में नहीं थे दाऊ जी, इसलिए तो बांध दिए, नहीं तो क्या हिम्मत है कि बांध दें। तो इस प्रकार से सब लोगों ने योजना बनाई कि क्या किया जाए कि उनको अनुमति दे दिए, दिए नहीं, सब बस योजना बना रहे, लेकिन किसको भी साहस नहीं हो रहा है, कैसे कह दे कि तुम अभी वन में चले जाओ, ऐसे कह नहीं पा रहे थे। अब ये तो जैसे नंद बाबा और ग्वालों ने विचार किया उसी प्रकार से यशोदा और सारी माताओं ने
विचार विमर्श किए, सखाए तो एक पैर में खड़े थे, बस तब मौका मिले चले। और गोपियों का क्या भाव था, बहुत ही सुंदर वर्णन है। जो जो श्री जी श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा आदि जो गोपियां थी, वो भी उसी उसी अनुपात में उसी तरह वो भी बड़ी बड़ी और वो भी किशोरी अवस्था में पहुंचने लगी। और उनका पूर्व राग जागृत हुआ। जानते हैं पूर्व राग क्या है? पूर्व राग इस लीला काल में गोलोक से आई हुई अपने नित्य परिकरों के साथ, सहचरियों के साथ जब पहली बार मिलन होता है, जो भाव जागृत होता है ठाकुर जी का श्री जी के प्रति और गोपियों के साथ, उसको पूर्व राग कहते हैं। तो इसका विशद वर्णन है, इसके लिए इस माधुर्य भाव को थोड़ा सा हम कल चर्चा करेंगे आनंद वृंदावन शब्दों से, लेकिन आज केवल यही हम चर्चा का विषय है कि ऐसा कौन सा समय आया, कैसी परिस्थिति आई कि सब लोगों ने आखिर अनुमति दे दिया कि अब कृष्ण गाय चराने जा सकते हैं। मैया अपने विचार विमर्श कर रही है, बाबा विचार कर रहे हैं, तो उपनंद महाराज ने आखिर में सलाह दिया कि ये समस्या को दूर करने के लिए जो गौवे चरने के लिए वन में नहीं जाते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, बुलाया जाएगा कि ब्राह्मण को भागुरी ऋषि और भी जो भी यहाँ ब्रज में जो ब्राह्मण थे सांडिल्य इत्यादि नंद बाबा के गुरु और भी जो भी ब्राह्मण थे, इन सबको विचार विमर्श किया जाए, शुभ मुहूर्त निकाला जाए। नंद बाबा ने नंद बाबा को पूछे, हाँ नंद क्या कह रहे हो, सहमत हो ना? नंद बाबा हाँ कैसे कहते कि अपने लाला को वन में छोड़ दे, मौनम सम्मति लक्षण, वो कुछ कहे नहीं, लेकिन इसका मतलब है अच्छा ठीक है, एक बार थोड़ा सा घरवाली से पूछ लेता, मतलब यशोदा से पूछ लेता, ऐसा मन में आया। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछ के एक सही समय मुहूर्त और दिन निश्चय किया। फिर से कह रहा हूँ, बुधवार का दिन था, कार्तिक मास था, शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन और श्रवण नक्षत्र था। यही शुभ मुहूर्त सारे पंडितों ने निकाला कि इस दिन हमारे प्यारे ठाकुर जी श्याम सुंदर और ताऊ भैया सभी सखाओं के साथ गाय चराने जा सकते हैं। तो ये जो दिन है, जो आने वाले चार दिन के हमारे लिए, चार दिन के बाद अष्टमी आ रही है, मीटिंग आज हुआ, मानो आज हुआ मीटिंग, ठीक है। चार दिन के बाद अभी ठाकुर जी सज धज के जाएंगे गाय चराने के लिए। तो इस बीच में क्या हुआ, कैसे वृंदावन नंदगांव पूरा ब्रजमंडल सजने लगा, सब लोग अपने घर को कैसे सजाए, रंगोली बनाए और ब्राह्मण स्तुति वाचन करने लगे, और माताएं तरह तरह के गोपियां जो है तरह तरह के गीत गाने लगे कि आज पहली बार कृष्ण बलराम गाय चराने जाएंगे। और कैसी सजावट हुई, किस तरह के सारी सुंदर व्यवस्था हुई, सुगंध जल के छिड़काव किया गया, तोरण बनाए गए, गेट बनाए गए, बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी सुंदर अट्टारिकाओं में तोरण झंडे बनाए गए, सब 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 इसका विस्तृत वर्णन बहुत सुंदर है जो हम कल सुनेंगे कि क्या सजावट थी, कैसा मुहूर्त था, क्या दिन था, उस समय पूरे ब्रज में गोपियां कैसे सज रहे थे, किस तरह से वो फेस्टिवल उत्सव को मना रहे थे, इसको हम कल सुनेंगे। और साथ ही साथ गोपियां उस समय कैसे तैयारी कर रही थी, सब गोपियां जो है माधुर्य भाव वाली गोपियां, वो कैसे तैयारी में थी कि आज हमारे प्रियतम पहली बार गाय चराने जाते हैं। तो कल आप समय पे आइए, आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ, कल हम समय पे शुरू करेंगे, 6 बजे सब लोग आ जाइए
और यहाँ सबसे पहले कीर्तन होगा, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी और वृंदावन से अनेक भक्त कल आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ रहेंगे, जुड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ विश्राम देते हैं और यहाँ अभी हमारे श्याम बलराम आए हैं अपने पेटी के साथ, मतलब हारमोनियम के साथ। यहाँ अभी सभी भक्तों लोग मिलके हम दामोदर अष्टकम कीर्तन करेंगे, ठीक है? तो दीपों कुलशेखर को कहा गया, दीप सब तैयार है। तो अभी यहाँ पहले दामोदर अष्टकम होगा, सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे, ठाकुर जी के लाइट ऑन होंगे ताकि सब लोग यहाँ प्रवेश करें और उसके बाद सभी लाइन में आके दिया दिखाएंगे और दिया दिखा के बाहर रखेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण।